हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस नए चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। रियल एनालिसिस हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी का जस्ट सेकंड वाला चैप्टर हम कंटिन्यू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है बाउंडेडनेस। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें और हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी उसको पहले कंटिन्यू करेंगे विथ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन जो है उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है, इससे बेस्ड क्वेश्चन नेट में आ चुके हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है, फॉर एनी रियल नंबर वेयर एक्स वाई, वेयर यहाँ पर एक्स वाई आपने कोई भी रियल नंबर दो ले लीजिए, जहाँ पर एक्स ग्रेटर देन जीरो मैंने लिया है, देयर एग्जिस्ट्स अ नेचुरल नंबर एन सच दैट एन एक्स ग्रेटर देन वाई, कोई भी दो रियल नंबर हो उनके करस्पॉन्डेंस आपको एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई, जहाँ पर आपने एक्स को ग्रेटर देन जीरो लिया था। अब सोचिए यहाँ पर वाई अगर निगेटिव हो, चूँकि यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, अब एन तो पॉजिटिव होता ही है, नेचुरल नंबर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। अब अगर वाई निगेटिव है तो हमेशा ये कंडीशन होल्ड होगा, अगर ये जीरो लोगे तो हमेशा ये कंडीशन होल्ड होगा। पॉजिटिव लोगे उस कंडीशन में इसको चेक करना, मतलब चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सिचुएशन में तो ऑलरेडी होगा होल्ड। इसलिए सेकंड वाले स्टेटमेंट दिया गया उसी के बेस पे कि ये एक्स और वाई को दोनों को डायरेक्ट पॉजिटिव ले लिया गया, वाई को क्या ले लिया, डायरेक्ट पॉजिटिव ले लिया गया और उस पर कंटिन्यू किया गया, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन एक्स ग्रेटर देन वाई। मतलब ये हुआ कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर लीजिए उनके करस्पॉन्डेंस आपको एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, इसको हम कैसे क्लियर करेंगे, जैसे आपने दो रियल नंबर आपने लिया 100, ठीक है, और एक आपने ले लिया 1000, ठीक, x क्या लिया 100, y क्या ले लिया 1000। अब मैं n आपको दे दूंगा, ठीक है, मैंने दे दिया आपको n 20, तो 20 जब आप लोगे तो ये आप, मैंने n दिया आपको, ये आपने x और y मुझे दिया था, तो उसके करेस्पॉन्डेंस मुझे n मिल गया, तो इसको मल्टीप्लीकेशन करो क्या आएगा 2000, जो कि इससे क्या है ग्रेटर देन वाई, एन एक्स ग्रेटर देन वाई। ऐसे आप कई एग्जांपल्स आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हो रहा है बात, तो इस तरीके से ये हुआ कि कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर ले लीजिए उनके करस्पॉन्डेंस एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिल जाएगा कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक, तो मैंने यहाँ पर कॉरोलरी लिखा है, कॉरोलरी भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉरोलरी क्या बोलते हैं, कोई भी रियल नंबर हो उनके करस्पॉन्डेंस एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि n ग्रेटर देन x, ऑब्वियस सी बात है। अब सोचिए r अगर जो आप ले रहे हो यहाँ पर x, अगर r निगेटिव है तो ऑलरेडी ट्रू होगा बिकॉज n 1 2 3 हमेशा ही स्टार्ट होता है, तो हमेशा होल्ड होगा। अगर आप जीरो लेते तो भी होल्ड होगा, पॉजिटिव लोगे तब ये सिचुएशन को देखना पड़ेगा। जैसे आपने लिया मान लो 100, तो मैंने ले लिया 101, आपने लिया मान लो 1000 into root 2 ये आपने लिया, तो ठीक है 1000 into root 2 आपने लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, कोई भी राशि ले लीजिए। अब मैंने ले लिया है ना 3000, जो इनसे बड़ा है। इस तरीके से आपको कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए उनके करस्पॉन्डेंस, मतलब फॉर एवरी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट्स नेचुरल नंबर सच दैट एन इज ग्रेटर देन एक्स, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर, कन्फर्म। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, उसका कॉरोलरी और उससे बेस्ड एग्जांपल्स। अब एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो सीएसआईआर नेट दिसंबर 2016 में आया था, जो इससे रिलेटेड था, और सबसे खास बात है उस क्वेश्चन की वो पार्ट सी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, लेट x belongs to open interval 0, 1, s दिया उन्होंने, then decide which of the following are true, या which of the following statements are true करके भी दे सकता था। तो ये उन्होंने दिया है, ऑप्शंस हैं ए, फॉर एवरी m belongs to natural number there exists n belongs to natural number such that
s is greater than m upon n, b, for every m belongs to n, there exists n belongs to natural number such that s is less than m by n. C option, for every m belongs to n, there exists n belongs to n such that s equals to m by n. Last option hai, for every m belongs to n, there exists n belongs to n such that s equal to m plus n. देखिए है ना, एक वीडियो मैं अलग से सेपरेट निकालूँ क्वांटिफायर पर, यहाँ पर फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर इस्तेमाल हुआ है, तो आप अलग से सेपरेट वीडियो देख सकते हैं जो लगभग 7 मिनट का है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करेंगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 4 ऑप्शंस में दिया गया, उसमें सब में फॉर एवरी और फॉर देयर एग्जिस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। क्वांटिफायर्स को देखना बहुत ज़रूरी है, उसको अप्लाई कैसे करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, उन्होंने लिखा है एस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1, एस कोई है ना नंबर है जो ओपन इंटरवल 0-1 से आ रहा है, ये तो क्लियर है कि वो रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। लाइक एस जो है एक रियल नंबर होगा जो इनके बीच से आ रहा है। देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन से ट्रू है ना, एक से ज़्यादा मल्टीपल करेक्ट आंसर पॉसिबल है। तो उन्होंने लिखा है पहला, फॉर एवरी एम बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्टेंस एन बिलोंग्स टू एन, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनके करस्पॉन्डिंग क्या एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एस जो है यहाँ पर जो भी आप नंबर लोगे वो इससे बड़ा होगा। अब एस को आपको कोई लेकर चलना पड़ेगा तभी आप ऑप्शंस को क्लियर कर पाओगे। तो मैंने एस इक्वल टू जस्ट ले लिया 1/2, ये अपने सुविधा से है, कोई भी इरेशनल नंबर भी लिया जा सकता है ना। तो इससे अंदर से आपने एक एलिमेंट उठाया 1/2। अब देखते हैं, मैंने ये ले लिया 4 ऑप्शंस के थ्रू, अब कंटिन्यू हो जाएगा। फॉर एवरी एम बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट्स एन बिलोंग्स टू एन, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए क्या उसके करस्पॉन्डेंस एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो इनसे ये उनसे बड़ा हो। आप m को 1 ले लीजिए है ना, तो आप n को क्या ले सकते हैं 1/3 ले सकते हैं, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। अगर m को आप 2 लेते हो तो मैं इसको 1/6 ले लूँगा, तो भी ये 1/3 होगा, फिर से ये इससे बड़ा। अगर आप इसको 3 लेते हो, क्योंकि आप ये तो फॉर एवरी बोला ना, आप एक बार 1 उठाए, एक बार 2 उठाओगे, एक बार 3, तो जो भी उठाओगे 1 उठाए तो 1/3 ले लीजिए, ये होल्ड होगा। फिर अगर 2 लिए तो यहाँ पर 2/6 ले लीजिए है ना, तो अगर 2 लेते हो तो 1/6 ले लीजिए, 3 लेते हो तो 1/9 ले लीजिए, उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो कोई भी नेचुरल नंबर लो उसके करस्पॉन्डेंस एक नेचुरल मिल जाएगा कि ये जो s आपने लिया है वो हमेशा इनसे बड़ा होगा। ऐसे s को कोई दूसरा फिक्स करके भी देख सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि पहला बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं सेकंड में जाऊँ तो फॉर एवरी m बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट्स n बिलोंग्स टू, यहाँ लेस देन है। अब आप सोचोगे अब इसमें क्या होगा दिमाग में कि हाँ इसमें ग्रेटर है, ये ट्रू हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली अच्छे से लगाना भैया ना, वहाँ पर लेस और ग्रेटर जो दिया है उसको अच्छे समझो। यहाँ पर m अपॉन n दिया है, वो s के साथ इक्वालिटी की बात भी चल रही है ना भाई, लेस या ग्रेटर की बात वो कर रहा है। चलो 1/2 मैंने फिक्स किया था, 1/2 ही रहने देते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, चलो दूसरा नंबर ले लेते हैं 1/3। समझने के लिए मैं s इक्वल टू अब ले लिया 1/3 करके। अब m इक्वल टू मैंने लिया 1, फॉर एवरी बोला, एक बार m इक्वल टू 1 ले लीजिए। n इक्वल टू मैंने ले लिया 2, ठीक। n इक्वल टू जब आपने 1 लिया तो m इक्वल टू आपने जब 1 लिया, n इक्वल टू 2, अच्छा सॉरी, इसके पहले जो मैंने 1/2 लिखा था वो मिस्टेक से लिखा है, वो जो है अलग अलग मैं ऐसे लिख रहा था, मिस्टेक हो गया वहाँ पर, ध्यान रखना। तो m इक्वल टू 1 लिया, n इक्वल टू 2 लिया। अब 1/2 ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है इससे बड़ा है, ये 1/3 इनसे छोटा है। अगर आप 1 लिए तब 2 लिए, अगर आप 2 ले लो तो आप ले लो यहाँ पर 4, फिर से 1/2 जो इनसे बड़ा है। कुल मिला के अर्थ ये हुआ कि आप जो भी नेचुरल नंबर लोगे उसके करस्पॉन्डेंस एक नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब ऐसे ही रहेगा, इस फॉर्म में ही रहेगा, तो वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्लियर हो रहा है। अब इसमें देखिए m और n, m के जगह हम जैसे s इक्वल टू मैंने ले लिया 1/3 ले लिया, 1/2 जो भी लो 1/3 ले लिया है ना, s इक्वल टू 1/√3 ले लो है ना, m इक्वल टू कुछ भी लो, n इक्वल टू √3 आ ही नहीं सकता
ठीक है, अगर मैं इसको 1/√3 ले लूँ तो क्या इसके जगह में कभी 1/√3 पॉसिबल होगा? नहीं, क्योंकि m बाई एन कोशेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, कोशेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये इक्वल नहीं होगा, सो ये गलत। ओके, फॉर एवरी m बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट s इक्वल टू m प्लस n करके लिखा है। m प्लस n दो नेचुरल नंबर का सम फिर से नेचुरल नंबर होता है, फिर से पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो फिर क्या s पॉसिबल है? हमेशा हमेशा क्या आप s के जगह 1/√3 लिए उसी की इक्वल कभी नहीं हो पाएगा, 1/2 उसके इक्वल नहीं हो पाएगा, ये इस तरीके से ये भी फॉल्स, ये दोनों करेक्ट होगा। अगर कोई भी जैसे मिस्टेक होता है उस पर आप ध्यान दीजिए, मेरे से हो सकता है मिस्टेक हो, बट वहाँ पर मैं इसी फॉर्म में लिख रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ, लेट s बिलोंग्स टू 0 1, जैसे ही हमने लिया फोर ऑप्शंस जो उन्होंने दिया था उसमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के जैसा ही ये कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पर ए और बी दोनों ट्रू होगा। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा ये जो चैप्टर का मेन जो टारगेट है वो है बाउंडेडनेस। ओके, तो ध्यान से इसको देखिएगा, बाउंडेडनेस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बाउंड्स ऑफ अ सेट, किसी सेट की बाउंड्स, इसमें सबसे पहला है बाउंड्स ऑफ अ सेट, जिसमें पहला होगा हम देख लेते हैं अपर बाउंड, अपर बाउंड लेट एस इज कंटेंड इन आर देन अ रियल नंबर v belongs to R is said to be upper bound of S if x is less than or equal to v for every x belongs to S। ठीक, एक और देख लेते हैं, lower bound, lower bound let s is contained in R then v belongs to R, नाम चेंज कर देते हैं, u belongs to R is said to be lower bound of s if u is less than or equal to x फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। 1, 2, 3 जो कि ऑब्वियस सी बात है आर का एक सबसेट है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर उठाया 3 बिलोंग्स टू एस सच दैट 1 लेस देन 3, 2 लेस देन 3, 3 इक्वल टू 3, और यहाँ से क्या स्पष्ट होता है, यहाँ से क्लियर होता है कि x is less than or equal to 3 for every x belongs to S. This means that this is upper bound. Okay, तो इसको एक बार क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये खाली नेट एग्ज़ाम या सेट एग्ज़ाम या और गेट एग्ज़ाम वगैरह के लिए नहीं, ये तो BSc, MSc और है ना कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो बाउंड्स ऑफ अ सेट में सबसे पहला चीज़ है अपर बाउंड, दूसरा है लोअर बाउंड। अपर बाउंड क्या है, सबसे पहले तो देखिए आर का आपने जो सबसेट लिया है, यहाँ सबसेट के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं किया है, तो आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं लिखा मतलब समझना चाहिए एस फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ओके, इनफाइनाइट में काउंटेबल, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने माना एक सेट एस, इस एस की अपर बाउंड का मतलब क्या है, एक रियल नंबर, यहाँ पर भी ध्यान रखना है v belongs to मैंने R लिखा है s नहीं, मतलब जो अपर बाउंड या लोअर बाउंड है वो सेट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो a real number v belongs to R is said to be upper bound of s if x is less than or equal to v for every x belongs to s, confirm। तो हमने क्या देखा कि एक रियल नंबर जो है सेट s का अपर बाउंड कहलाता है यदि x less than or equal to v हो फॉर एवरी x belongs to s। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यही से आप लॉजिक लगाइए कि x less than or equal to v ना, ये अपर बाउंड है ना, अपर बाउंड से आगे अगर मैं कोई नंबर लूँ तो भी तो x less than करके होल्ड करेगा, इसका मतलब वो भी अपर बाउंड हो।
तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अपर बाउंड से बड़ा अपर बाउंड। एग्जाम्पल से भी हम क्लियर करेंगे। अब लोअर बाउंड में आते हैं, लेट एस इज कंटेंट इन आर देन इफ यू बिलोंग्स टू आर इज सेट टू बी लोअर बाउंड ऑफ एस। यू को मैं सेट एस का लोअर बाउंड कहूंगा यदि इफ यू लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब ये हुआ कि यू जो है जितने भी एलिमेंट होंगे सबसे छोटा हो रहा है, या उससे इक्वल भी हो सकता है अंदर भी, इसके इक्वल भी हो सकते हैं उससे छोटा भी। इस कंडीशन से जस्ट अपोजिट हुआ है ना, यू लेस आर इक्वल टू एक्स, यू एक्स से छोटा या इक्वल हो रहा है और यू लोअर बाउंड है, इनसे अगर मैं छोटा लूँ तो भी लेस होगा तो वो भी लोअर बाउंड हुआ। तो लोअर बाउंड से छोटा लोअर बाउंड, तो यहाँ इस एग्जांपल से पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा, मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा कहना चाहिए। मैंने एस इक्वल टू वन टू थ्री लिया और जो कि आर का सबसेट है, मैं एक फाइनाइट लिया, हमेशा एक फाइनाइट सेट से जल्दी क्लियर हो सकता है, तो वही मैंने किया पहले। थ्री बिलोंग्स टू एस, मैंने थ्री लिया और थ्री की खास बात देखिए, वन लेस देन थ्री, टू लेस देन थ्री, थ्री इक्वल टू थ्री है ना। तो यहाँ पर इस वन टू थ्री किसके एलिमेंट है, इसके सभी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ शॉर्टकट में, एक्स लेस आर इक्वल टू थ्री फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। यहाँ से बातें पूरा साफ हो रहा है कि थ्री जो है इस सेट का अपर बाउंड है। ओके, अब जस्ट आप वन लेकर देखें, तो जब वन लेकर देखेंगे तो कंडीशन क्या दिखेगा, वन ऐसा दिखेगा, वन इक्वल टू वन है ना, और वन इक्वल्स टू वन, वन लेस देन टू और वन लेस देन थ्री। तो यहाँ से पूरा मिला के हम क्या लिखेंगे, वन लेस आर इक्वल टू एक्स, कंडीशन क्लियर हो रहा है। हमने यहाँ पर अब वन को सेलेक्ट किया, वन को जब जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया देख सकते हैं, वन इक्वल टू वन, वन लेस देन टू, वन लेस देन थ्री, तो ये पूरा कंडीशन क्या हो रहा है, वन टू थ्री किसके एलिमेंट पूरा इनके लिए ट्रू रहा है। तो वन लेस देन आर इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स, और फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। अब यहाँ पर जो ये वन है ये क्या है, लोअर बाउंड। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड किस तरीके से एलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये थ्री अपर बाउंड था, अगर मैं फोर लूँ तो भी तो कंडीशन होल्ड होगा, तो फोर भी अपर बाउंड हुआ, फाइव भी अपर बाउंड, ऐसे आगे जो भी लेंगे अपर बाउंड। इसी तरीके से वन अगर लोअर बाउंड है तो वन बाई टू भी लोअर बाउंड होगा, जीरो भी लोअर बाउंड होगा, माइनस वन भी लोअर बाउंड, ऐसे इधर पूरा सबके सब लोअर बाउंड होंगे। ठीक, अब ये जो अपर बाउंड्स का कलेक्शन है और लोअर बाउंड्स के कलेक्शन है उनको एक सिंबल से हम डिनोट करते हैं ताकि बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम कवर कर सकें। यहाँ रिमार्क करके मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेट ऑफ ऑल एस इज कंटेंड इन आर, ये मैं लेकर चल रहा हूँ पहले से ना, एस इज कंटेंड इन आर, मैं ये लेकर चल रहा हूँ, उसके बाद मैं रिमार्क ले रहा हूँ, फर्स्ट सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ एस इज डिनोटेड बाई यू एस, नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ एस इज डिनोटेड बाय एल एस करके, इस तरीके से ये हुआ। दो नोट हमने लिखा है ना रिमार्क में, फर्स्ट है सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ एस इज डिनोटेड बाय यू एस, और सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ एस इज डिनोटेड बाय एल एस। अब कुछ जो एक्सटेंडेड मतलब एग्जाम्पल स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स तो मैंने लिया एस इक्वल टू फाइव, सबसे स्टार्टिंग में इस ये बेस्ट एग्जाम्पल है ना, एम्प्टी से ही स्टार्ट करना चाहिए, एम्प्टी फिर फाइनाइट फिर थोड़ा सा और बढ़ते 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 बढ़ना है। एस इक्वल टू मैंने लिया फाइव, तो यहाँ आप देख सकते हैं एल एस क्या होगा और यू एस क्या होगा। ठीक, सेकंड ऐसे एक साथ देखेंगे, उसके बाद मैंने ले लिया सिंगलटन वन, एल एस क्या होगा और यू एस क्या होगा। थर्ड एस इक्वल टू वन टू, एल एस क्या होगा और यू एस क्या होगा। इसी तरीके से एस इक्वल टू ओपन इंटरवल ज़ीरो वन, तो एल एस क्या होगा और यू एस क्या होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल एस इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ज़ीरो वन अगर मैं ले लूँ तो एल एस क्या होगा और यू एस क्या होगा। ओके,
ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर s इक्वल टू फाइव है, यानी इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब आपको अपर बाउंड के लिए पूछा जाए या लोअर बाउंड के लिए पूछा जाए तो क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जो आपके पास रियल लाइन हैं उस रियल लाइन में से कोई भी आप नंबर चॉइस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन तो होगा नहीं, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है कि मैं तुलना करूँ छोटा बड़ा, फाई के अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, है ना, निगेटिव लो, जीरो लो, पॉजिटिव लो, वो आपका लोअर बाउंड के रूप में लिया जा सकता है। ऐसे पॉजिटिव लो, जीरो लो, निगेटिव आपका अपर बाउंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका लोअर बाउंड्स के रूप में, और इसी तरीके से यूएस भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। इसका मतलब हुआ आर और ये भी आर। नेक्स्ट है s इक्वल टू सिंगलटन वन। ये तो क्लियर है कि ये फाइनाइट सेट है और इसके पास एक एलिमेंट है वन। यहाँ पर वन ही लोअर बाउंड होगा, वन ही अपर बाउंड होगा, और हमें ये पता होना चाहिए वन लोअर बाउंड है तो उससे जितने भी छोटे होंगे सब के सब लोअर बाउंड होंगे। इसका मतलब कि ये हुआ वन तो लोअर बाउंड है ही, उनसे जितने भी छोटे, कितने छोटे भाई, आपका आप कहाँ पर चॉइस कर रहे हो, रियल लाइन पे चॉइस कर रहे हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे, वन आपका लोअर बाउंड है तो वन से जितने भी छोटे होंगे सब के सब लोअर बाउंड होंगे। इसका मतलब कि माइनस इन्फिनिटी टू वन ये आपका सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड हो जाएगा, और इसी तरीके से वन टू इन्फिनिटी ये आपका सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से वन टू आपने लिया तो यहाँ वन इज़ लोअर बाउंड, टू इज़ अपर बाउंड, तो सेम वही स्थिति यहाँ पर आया। अब यहाँ पर वन और टू दोनों चीज़ें हैं तो देखिए वन इज़ लोअर बाउंड सो इधर पूरा लोअर बाउंड, यानी ये तो ऐसे ही होगा, और अपर बाउंड टू है, अब टू से इधर कंप्लीट टू टू इन्फिनिटी ये अपर बाउंड का सेट हुआ। इसी तरीके से ओपन इंटरवल जीरो वन, अब यहाँ पर वही एग्जांपल, जीरो और वन इसमें शामिल नहीं है लेकिन जीरो इज़ लोअर बाउंड वन इज़ अपर बाउंड, बिकॉज कंडीशन तो जीरो के लिए पूरा होल्ड हो जाएगा, जीरो लोअर बाउंड है तो फिर सेट ऑफ लोअर बाउंड में तो शामिल हो गई, और जीरो लोअर बाउंड है तो जीरो से जितने भी छोटे होंगे सब के सब, है ना, इस तरीके से ये है तो जीरो लोअर बाउंड, तो जीरो से छोटे जितने भी सब के सब लोअर बाउंड माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, और इसी तरीके से वन इसका अपर बाउंड है तो वन से लेके पूरा इन्फिनिटी इनका सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। अब इसमें जीरो इंक्लूड है, इससे पहले इंक्लूड नहीं था लेकिन रिजल्ट तो वही आएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनाया जा सकता है, तो ये क्लियर हो रहा है। इस एग्जाम्पल को और बढ़ाते हैं काउंटेबल इन्फिनाइट सेट के लिए, यानी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए, है ना, और इंटीजर्स है उनका। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इनके लिए ls क्या हो जाएगा, ls, अब यहाँ थोड़ा सोचिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का स्ट्रक्चर आपको पता है वन टू थ्री एंड सो ऑन, पता चल रहा है यहाँ पर वन इज लोअर बाउंड, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है या जो सबसे छोटा एलिमेंट है सेट के अंदर, देख के पता चल जाएगा कि वो आपका लोअर बाउंड है। अब लोअर बाउंड है लेकिन अपर का अर्थ पता है क्या, नहीं पता है, तो अपर बाउंड नहीं है, ओके, तो लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड से जितने भी छोटे होंगे ये हमारा अगर रियल लाइन बनाया जाए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो पता चलेगा ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ऐसे जा रहा है ना कंटिन्यू। लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड से छोटे पूरा लोअर बाउंड का सेट हो जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी टू वन, ये क्लियर हो रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसके पास अपर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक, तो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स है ही नहीं, तो ये हो जाएगा फाई कन्फर्म। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट एग्जांपल आप सेम s इक्वल टू जेड का ले लीजिए, तो एल एस इक्वल टू क्या होगा, है ना, अब जेड के पास तो और भी खराब स्थिति है क्योंकि प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री ऐसे रहता है, या फिर हम, है ना, ये जो z है इनको स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जीरो वन टू थ्री और माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन, ना इधर से कुछ मिल रहा है ना उधर से कुछ मिल रहा है, ना लोअर का पता ना अप, है ना, अपर का पता, आता पता कुछ नहीं, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास न सेट ऑफ, है ना, लोअर बाउंड्स न सेट ऑफ अपर बाउंड्स, मतलब फाई रहेगा, कुछ है ही नहीं भाई, कहाँ है इसके पास लोअर अपर, इसका मतलब ये फाई एज वेल एज यू एस बी फाई, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि फाई पॉसिबल है, है ना। नेक्स्ट s इक्वल टू अगर मैं q ले लूँ तो भी सेम वही स्थिति, कोई इसके पास है ही नहीं, और अगर मैं सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर ले लूँ तो भी लोअर का नहीं पता ना अपर का पता, तो ये भी फाई, और अगर मैं
इसको कंप्लीट s इक्वल टू r लिए जाए तो भी तो वही स्थिति आएगी। इस तरीके से हमने देखा 10 एग्जांपल्स है ना, इनफ है। तो इस तरीके से ये हमने एग्जांपल्स देखा, यहाँ से क्लियर पता चलता है कि इसका किस तरह के सेट ऑफ लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स डिफाइन होता है। अब इन एग्जांपल से आप है ना एनालिसिस कीजिए, गौर कीजिए, पता चल रहा होगा कि कोई भी सेट यहाँ पर काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं आया है और न ही नॉट फाइनाइट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट आया है। हमने देखा कि जितने भी हैं है ना, फाइव के लिए लिया तो आर आर आया था है ना, जो कि अनकाउंटेबल है। ये इंटरवल्स है, नॉन टेबल इंटरवल्स ऑलवेज अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल पूरा अनकाउंटेबल दिख रहा है। हमने यहाँ तक कि फाइव लिया तो भी अनकाउंटेबल, फाइनाइट सेट लिए तो भी अनकाउंटेबल है ना, इनके लिए भी अनकाउंटेबल, ठीक है ना, अनकाउंटेबल आ रहा है ना, या तो डायरेक्टली फाइव आ रहा है और फाइव इज फाइनाइट सेट। तो इससे पता चलता है कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट नहीं है कोई जगह और ना ही काउंटेबल इनफाइनाइट आया है, ठीक। तो यहाँ से दो बार क्वेश्चंस आ गए हैं तो हम वही देखने वाले हैं। पार्ट सी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं है ना, ये है ना जो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन लगातार मैं लिखने वाला हूँ, ये बिल्कुल एक ही जैसे एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं और इसी पर जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ऐसा है, इफ एस इज कंटेंट इन आर, इफ एस इज कंटेंट इन आर एंड एल इज इक्वल टू सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ एस देन एल एस मे बी। अगर क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट के साथ लेते हुए चलें तो फायदा ये रहता है कि हमें वो चीज़ जल्दी क्लियर होता है, इसलिए इसको हम साथ में चलेंगे, सी और डी काउंटेबली इन फाइव नाइट और हैं अनकाउंटेबल और हैं ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन में हम लिखते हैं ताकि दोनों हम साथ में कर सकें। ये यहाँ पर एल एस के लिए था, सेम यही क्वेश्चन है और यू एस के लिए है। एस इज कंटेंट इन आर एंड यू एस इक्वल टू सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ एस देन यू एस मे बी। सेम वही स्टेटमेंट, फाइनाइट है ना, ऑप्शंस भी वही है, काउंटेबली इनफाइनाइट एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज अनकाउंटेबल और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं है ना पार्ट सी के हैं, मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है, ये पहला हिंट हुआ। दूसरा हिंट, दोनों में सेम ऑप्शंस आएंगे, ये दूसरा हिंट है, अब तो बनना चाहिए। तो क्वेश्चन वन ये बता रहा है कि एस आर का सबसेट है और एल एस सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स हैं। अब सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स के बारे में उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। पता है कि या तो सीधा सीधा कोई इंटरवल आ रहा था अनकाउंटेबल सेट के फॉर्म में आ रहा था, या तो सीधा फाई आ रहा था जो कि एक फाइनाइट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं आ रहा था। तो ऑप्शंस को देखना है तो हमें पता है कि अनकाउंटेबल आ रहा था, फाइनाइट यस फाई आ रहा है मतलब फाइनाइट है, काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं आ रहा था, ये नहीं आ रहा तो ऑल ऑफ द अबव होगा ही नहीं। सेम प्रोसीजर यहाँ पर है ना, एस आर का सबसेट है, यू एस सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, यू एस में भी फाइनाइट यस अनकाउंटेबल और काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं हो सकता, सो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड। अब हम कंटिन्यू करेंगे, जो बाउंड्स हमने पढ़ा उसके बेस्ड कॉन्सेप्ट है बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव सेट
a set S is contained in R is said to be bounded above set if bounded above set if a set S is contained in R is said to be bounded above if it has an upper bound if it has an upper bound ठीक next example sorry definition bounded below set तो bounded below set में होगा a set S is contained in R is said to be bounded below set if it has a lower bound if it has a lower bound जैसे कि है ना हमने लिया s equal to 1 2 ये एग्जांपल हुआ s equal to set of natural numbers ठीक और इसी तरीके से हमने एक एग्जांपल ले लिया s equal to z तो इसके पास लोअर बाउंड भी है और वो है 1 और अपर बाउंड भी है वो है 2 इनके पास लोअर बाउंड के तौर पे है 1 बट अपर बाउंड नहीं है है ना ठीक तो ये तो नहीं है और इसके पास ना तो लोअर बाउंड है और नहीं अपर बाउंड है तो हम देख सकते हैं कि है ना तीन अलग-अलग एग्जांपल मैंने दिया तो यहां बाउंडेड अबव का मतलब क्या है एक सेट जो है बाउंडेड अबव सेट कहलाता है यदि उनके पास एक अपर बाउंड होना चाहिए एट लीस्ट 1 कम से कम एक अपर बाउंड होना चाहिए और जस्ट उसे मैं बाउंडेड बिलो सेट कहूंगा शर्त यह है कि कम से कम उसके पास एक क्या होना चाहिए लोअर बाउंड होना चाहिए एट लीस्ट 1 है ना क्या होना चाहिए एक लोअर बाउंड होना चाहिए इस तरीके से ये क्लियर हो गया एग्जांपल से भी हमने देखा कि s इक्वल टू अगर मैं 1 2 लूं तो इसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों है इसे और लोअर बाउंड है 1 अपर बाउंड है 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 लोअर बाउंड होता है लेकिन अपर बाउंड का तो पता नहीं मतलब नहीं होता और सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ रैशनल नंबर लो इरेशनल नंबर लोस आर लो उसके पास ना लोअर बाउंड है और ना ही अपर बाउंड है इस तरीके से ये क्लियर होता है नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है ना ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम एक ही चीज के लिए तो पढ़ रहे थे ना और वो है बाउंडेड और कई लोग क्या है अपर बाउंड में कंफ्यूज हो जाते हैं जो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स हैं उसी को बाउंडेड भी मान लेते हैं या सेट ऑफ लोअर बाउंड्स है उसी को बाउंडेड भी मान लेते हैं तो केयरफुल जो मैंने बताया उसको बिल्कुल एक लाइन से फॉलो कीजिए क्लियर आसानी से होगा नेक्स्ट है बाउंडेड सेट तो बाउंडेड क्या है डायरेक्ट मैं लिखूंगा अ सेट s इज कंटेंड इन r इज सेट टू बी बाउंडेड सेट इफ इट इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो इसी तरीके से मैं दूसरे डेफिनेशन के तौर पे ये लिख सकता हूं कि अ सेट s इज कंटेंड इन r इज सेट टू बी बाउंडेड सेट इफ इट हैज बोथ इट इज बोथ या इट हैज बोथ अपर and lower bound ठीक या independently इसको हम ऐसे भी define कर सकते हैं a set S is contained in R is said to be bounded set if there exists
if there exists U and V belongs to R such that X is less than or equal to U is less than or equal to V. Sorry, X यहाँ पर, U यहाँ. For every X belongs to S. ये independent definition है. ठीक, यहाँ पर ये lower bound या upper bound. तो देखिए, तीनों definition perfect है. कोई भी definition पकड़िए. और main है समझना. कैसे वो हो रहा है. तो bounded set, परिबद्ध समुच्चय क्या है? A set S is contained in R is said to be bounded set if it is both bounded above and bounded below. एक सेट को मैं R का एक सबसेट है, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट है, उनको मैं बाउंडेड कहूँगा. शर्त ये है कि उनके, या तो मतलब शर्त ये है कि वो दोनों होना चाहिए, बाउंडेड अबव भी बाउंडेड बिलो भी. या फिर मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, एक सेट जो है बाउंडेड सेट कहलाता है यदि उनके पास दोनों होना चाहिए, बाउंडेड अपर बाउंड और लोअर बाउंड. कन्फर्म ना? तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों अगर एक साथ हो गया तो बाउंडेड है. बाउंडेड एबव भी बाउंडेड बिलो भी जब दोनों एक साथ हो गया तो बाउंडेड है. अब बाउंडेड एबव होने का मतलब यही कि अपर बाउंड रखता है, बाउंडेड बिलो होने का मतलब यही है कि लोअर बाउंड रखता है. तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि अपर और लोअर बाउंड रखेगा तो भी बाउंडेड. ठीक, या इंडिपेंडेंटली आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि सेट एस इज कंटेंड आर इज सेट टू बी बाउंडेड सेट इफ देयर एग्जिस्ट यू ही बिलोंग्स टू आर सच दैट U less R equal to X less R equal to V for every X belongs to S, जहाँ पर U lower bound, V upper bound. ये clear हो रहा है. अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो U और V है ना, वो lower bound upper bound आपने जो लिया है तो वो क्या greatest है कि small, या फिर smallest है? तो ये इन पर बेस्ड concept आता है ना, greatest lower bound का और least upper bound का. ठीक है ना, तो वही हम definition देखने वाले हैं. तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसी को सुप्रीमम भी कहते हैं. पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये नाम कैसे कैसे आए उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे. तो लेट एस इज कंटेंड इन आर. Suppose U S, हम lower bound के बारे में बात कर रहे हैं तो L S मान लेते हैं. Suppose L S be the set of all lower bounds of S, then the greatest, या फिर then the largest element of S, of LS is said to be greatest lower bound, है ना, or infimum of, है ना, इनफीमम ना, इनफीमम, इनफीमम ऑफ एस. ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे क्या लिखा है. यहाँ पर इन पर बेस्ड एक एग्जांपल भी हम दे देंगे, एग्जांपल्स. तो यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा कि इनफीमम और सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट में है ना. तो देखिए, लेट एस इज कंटेंट इन आर, सपोज एल एस बी द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ एस. ठीक है, यहाँ बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया था. ठीक है, लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट पढ़ रहे हो, है ना. तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड से लेना पड़ेगा. तो जितने भी लोअर बाउंड्स होंगे उसमें सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड होगा उसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहा जाता है. ठीक है, तो कैसे, जैसे हमने लिया एस इक्वल टू 1, 2. ठीक, यहाँ पर लोअर बाउंड के तौर पे हमें पता है 1 है. यहाँ पर सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स क्या होगा, -∞ to 1. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इससे पहले भी हम इसको डिस्कस किए थे. अब जितने भी लोअर बाउंड्स हैं वो ये हैं. तो जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है, 1. इसका मतलब यहाँ पर पता चला कि, है ना, GLB, या फिर इसको शॉर्टकट में क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाई GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और
इनफीमम है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। तो देखिए वन टू इन टू में, वन टू में जो वन है आपका लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड से छोटा लोअर बाउंड होता है, उनका सेट क्या है माइनस इन्फिनिटी टू वन, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब आप इस ग्राफ से क्लियर करें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जिसमें हमने वन लिया, वन आपका सेट क्या है, ये हमारा सेट वन टू का ये सेट है, ठीक है। तो दो तरीके से, दो तरीके की नज़रिया होंगे, उसको हमें समझना। वन आपका लोअर बाउंड है ना, वन लोअर बाउंड है, और लोअर बाउंड से जितने भी छोटे हैं सबके सब लोअर बाउंड होते हैं, तो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा वन, सो वन इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और इसको ऐसे समझिए, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, वन, सो वन इज इनफीमम, पढ़ने का तरीका है ना। तो इस तरीके से इनफीमम ऑफ इज इक्वल टू वन, ठीक। आप नेक्स्ट ले लीजिए, अगर यही मैं एक इंटरवल के फॉर्म में लेता, मान लो वन टू टू करके, तो भी कोई इफेक्ट नहीं आता, ये वन ही आता, ठीक। और ये जो डेफिनेशन है ठीक इनफीमम का या जीएलबी का, वो यही देता। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि आप दो तरीके से देखेंगे, यहाँ ग्रेटेस्ट को देखो या इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, ये दोनों ही आपको पता चल जाएगा दोनों से कि इनफीमम या जीएलबी क्या है, ठीक। ये हुआ। अब एक चीज़ और हमें याद रखना होगा, जिन सेट के पास इनफीमम या सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर भी उनको सिंबॉलिकली माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी से शो कर दिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर है ना लिख रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना। अब ये जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है मैंने लिया s इक्वल टू r, हमें पता होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है। हमें ये भी पता है कि यहाँ ls जो होगा वो फाई होगा, तो इस नज़रिए से glb तो पता ही नहीं चलेगा। glb क्या पता चल रहा है यहाँ पर, फाई है ना, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जी एल बी का मतलब क्या हुआ। तो ये कोई है ना डिफिनेशन दिया तो क्लियर है कि यहाँ कोई एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सिंबॉलिकली अगर शो करना हो तो कैसे शो करेंगे, तो यहाँ से नहीं पता चलता, यहाँ से पता चलता है इनमें जो सबसे छोटा कौन है, माइनस इन्फिनिटी। एक सिंबॉलिकली व्यू में इसको हम ऐसे शो करते हैं व्यू ऑफ एस, ठीक। इसलिए मैंने दो तरीके के व्यू दे रहा हूँ आपको, ताकि क्लियर हो कि यहाँ से डेफिनेशन फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और अगर फाई है तो स्पेशली आप इसको फॉलो करो, दोनों में सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी, एज ए सिंबल इनफीमम माइनस इन्फिनिटी। ऐसे आप ढेर सारे एग्जांपल्स उनका ले लीजिए। अच्छा एक ये है, इनमें कई लोग कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूजन की इसमें भी बात नहीं है, है ना। एस इक्वल टू आपने लिया फाई, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जो एल एस होगा वो पूरा आर होता है, आर मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इसको आप नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें क्या छोटा क्या बड़ा, यहाँ तो एलिमेंट ही नहीं है, तो किसको देखोगे आप, इसको देखोगे। याद रखिए देखने का तरीका ये है, आप एल एस को अगर देख रहे हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसमें सबसे बड़ा देखा जाता है, और अगर इसमें देख रहे हैं तो इसमें छोटा है उसको देखा जाता है। कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, एक क्लियर व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ आप इसके थ्रू को बता सकते हो कि इनका सुप्रीमम क्या होगा, इनफीमम क्या होगा, लेकिन यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने जो डेफिनेशन लिखा है कि जितने भी लोअर बाउंड होते हैं उसमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, तो इसमें जितने भी है सबके सब लोअर बाउंड है, और सबसे बड़ा क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। तो एज अ सिंबल हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये केवल सिंबल है, कोई अगर बोले कि ये है ना कोई वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं, इट इज़ ओनली सिंबल है ना लिखने का एक तरीका, ठीक। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बाद आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन है, और भी ऐसे एग्जांपल्स खुद से क्रिएट कीजिए, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का है, कन्फर्म। अब ये होगा सुप्रीमम, ठीक। तो ये मैंने लिया, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है ये चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ सीधा, इससे क्या है कन्फ्यूज़ होंगे। सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ एस देन द स्मॉलेस्ट then the smallest upper bound of S is said to be, yeah, is called
लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। ये भी देखें नाम क्या है, एक तरीके से आप क्लियर नहीं, जैसे लिस्ट अप, कई स्टूडेंट क्या करेंगे लिस्ट अपर बाउंड फिर सुप्रीमम कैसे होगा, ये दिमाग में आता है। इसलिए मैंने दो व्यू देने के पीछे का रीज़न यही था कि वो नाम कैसे उसको अलग अलग हम लेते हैं, ठीक है ना। लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एस, इट इज डिनोटेड बाय, है ना, एल यू बी और एस यू पी ऑफ एस। तो उसको डायरेक्ट उसी के साथ जोड़ के लिखते हैं, एग्जाम्पल्स देखिए, है ना, यहाँ से क्लियर होता चला जाएगा। जैसे हमने लिया एस इक्वल टू, उसी एग्जाम्पल को लो, हमेशा सरल एग्जाम्पल से करना है। कई लोग एडवांस पढ़ना है करके बहुत बड़े एग्जाम्पल में जाके अपने को डिप्रेस कर देते हैं, ये गलत है। आप छोटे लीजिए और वहाँ से कंटिन्यू कीजिए और वही बेस्ट है, है ना। जितना अच्छे से क्लियर हो वो ज़्यादा देर तक टिकेगा। जैसे आपने 1 2 लिया, तो 1 2 आपने लिया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में 1 है और 2 है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। पहला नज़रिया इस डेफिनेशन के थ्रू जाने का है ना, क्या है कि इसमें अपर बाउंड कौन है, 2। अपर बाउंड से बड़ा अपर बाउंड, ये भी हमें पता है, तो अपर बाउंड से बड़ा अपर बाउंड, तो ये जितने भी होंगे सबके सब अपर बाउंड होंगे। इधर ये अपर बाउंड है, तो इनके आगे जितने भी सबके सब अपर बाउंड है, उन अपर बाउंड में सबसे छोटा 2 है, ठीक। इसका मतलब US तो हमारा क्लियर हो गया कि सब में सबसे छोटा, जितने भी अपर बाउंड्स हैं उन सब में सबसे छोटा 2 है, और यही हमारा सुप्रीमम ऑफ एस बोले तो लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस हो जाएगा 2। और सुप्रीमम वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया, इनमें सबसे बड़ा कौन है, इन दोनों में इसके अंदर कौन सबसे बड़ा है, 2, सुप्रीमम 2। ये आपका टेक्निक हुआ, है ना। तो मेन क्या है, जितना हम नॉलेज लें उसको अच्छे से लें, इम्पॉर्टेंट ये है। अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया ओपन इंटरवल 0 1, है ना, तो ये तो क्लियर हो रहा है कि ओपन इंटरवल 0 1 में 1 हमारा सुप्रीमम है, 1 हमारा अपर बाउंड है, अपर बाउंड से आगे जितने भी सब अपर बाउंड, तो क्लोज्ड इंटरवल 1 2 इन्फिनिटी अपर बाउंड, तो अपर बाउंड में सबसे छोटा 1, लिस्ट अपर बाउंड, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 1, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रीमम। इसलिए अगर आपको एक तरफ कंफ्यूज हो रहा है तो एक ही तरफ पकड़ के चलो, क्या दिक्कत है ना, ठीक। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया था आर, सभी टाइप्स के एग्जाम्पल कवर होने चाहिए, मैंने लिया आर, आर जब मैंने लिखा, है ना, इसके अपर बाउंड्स का सेट फाई होता है। अब यहीं पर होता है ना कन्फ्यूजन, इसलिए मैं दोनों व्यू दिया था, फाई कोई भी अपर बाउंड है ही नहीं इसके पास, तो किसे मानेंगे, कौन छोटा होगा अपर बाउंड में, है ही नहीं अपर बाउंड, तो फिर इन्हीं को देखना पड़ता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ से सबसे बड़ा कौन होगा, प्लस इन्फिनिटी, एज अ सिम्बल हम प्लस इन्फिनिटी को प्रीफर करते हैं, कन्फर्म। ऐसे अगर मैं जेड लेता, है ना, तो भी ये भी सेम होता, क्योंकि अभी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ही जाता है, ठीक है ना, ये तो क्लियर हो रहा है, 1 2 0, माइनस 1 माइनस 2 इधर है। एक और एग्जांपल जिस पर ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, है ना, इस इक्वल टू 5, तो हमें पता है कि US जो होता है ये R होता है, और R मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। आप जाइए उसमें, पता चल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये है सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, तो जितने भी अपर बाउंड है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है इसमें बताना मुश्किल है, बट एज अ सिंबल हम ले सकते हैं प्लस इन्फिनिटी को। तो इस तरीके से यहाँ पर भी पता चला कि जो सुप्रीमम के फॉर्म में अगर हम लेंगे तो प्लस इन, है ना, ठीक, सॉरी उल्टा हो रहा है मेरे से, माइनस इन्फिनिटी, है ना, सबसे छोटा लेना है ना भाई, ठीक है, जितने भी अपर बाउंड्स हैं उसमें सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी। तो आप डेफिनेशन पकड़ के चलिए कि सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स में सबसे छोटा है लोअर बाउंड्स है, ये तो क्लियर हो रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर, लिस्ट अपर बाउंड है। तो डेफिनेशन में इस तरीके से हम देखेंगे, है ना, हमेशा याद रखना डेफिनेशन देखने का तरीका ये है, अपर बाउंड मिल गया तो आगे जितने भी सबके सब अपर बाउंड, लोअर बाउंड मिल गया तो जितने भी छोटे हैं सबके सब लोअर बाउंड, ठीक। तो ये हुआ, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस इससे बेहतर, अभी बहुत सारे एडवांस्ड एग्जांपल्स बचे हैं, और एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस आते हैं उन एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे,
उससे पहले छोटा सा नोट है, उनको हम लिख लेते हैं, है ना। और जो एग्जांपल्स बचे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगा कि या जितने भी हम पढ़े हैं उनको एक बार जरूर रिवाइज करें। और सीखना है, कुछ लर्न करना है अपने को, हम नेट को कंटिन्यूशन अगर देना है, नेट एग्ज़ाम अगर अच्छे से देना है, तो ये तो तय है कि डे टू डे आपको एक नोट्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो आज हम पढ़े उसका रिमार्क, मैं जो अभी सुप्रीमम फिल्म देखे उन पर दो तीन नोट है उसको लिखा रहा हूँ। जो सुप्रीमम ऑफ एस होता है, मे और मे नॉट बिलोंग टू एस, इनफीमम ऑफ एस होता है, ये भी मे और मे नॉट बिलोंग टू एस। इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, जब यही सुप्रीमम है ना, जो सुप्रीम, इसका एग्जांपल ये है, ओपन इंटरवल 0-1 ले लीजिए, क्या इसमें बिलोंग कर रहा है? तो बिलोंग करे जरूरी नहीं है, जो सुप्रीमम है वो जरूरी बिलोंग कर रहा है, इनफीमम जरूरी है कि इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं, अगर बिलोंग कर गया तो उसे क्या बोला जाता है, अगर सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग कर गया, इफ सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग्स टू एस देन सुप्रीमम ऑफ एस इज कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट। ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ इनफीमम ऑफ एस belongs to S, then infimum of S is called minimal element of S। तो इस तरीके से है ना आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो वे सारे स्टूडेंट जिनको इनसे फ़ायदा होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि उनके आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और किसी भी तरह का डाउट है कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपने इन वीडियोस को और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपके सामने ला सकूं। और हम एक छोटे से प्रयास नेट एग्जामिनेशन के लिए, जो ये जो चल रहा है सफ़र कहना चाहिए, उनमें हम हिस्सा बन सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर।